इलेक्शन कमीशन दी हैक हुई वेबसाइट, हैकर ने लिखी पद्दी शब्दावली, आप दे वर्कर ने मंगी सी रैली दी परमिशन, हैकर ने की थी रिजेक्ट। जी हां, लोकसभा चुनाव तो पहला ही हैकर्स सरगर्म हो गए ने। हाल ही दे विच इलेक्शन कमीशन दी ही वेबसाइट हैक करन दा मामला सामने आया है। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने इस दी जानकारी दित्ती है। उन्हें दस्या है कि आम आदमी पार्टी दे एक वर्कर वालों रैली करन दी परमिशन मंगी गई सी, जो विभाग वालों मंजूर कीती जानी सी, पर इस तो पहला ही किसे वालों परमिशन नु रिजेक्ट कर दिता गया। इना ही नहीं, बाद विच पोर्टल ते पद्दी शब्दावली भी लिखी गई, जिस दियां तस्वीरां भी शेयर कीतियां गईयां ने। इलेक्शन कमीशन दी वेबसाइट ते बने पोर्टल एनकोड च आप दे वर्कर वालों रैली लई परमिशन सबमिट कीती जांदी है, जिस ते हैकर ने पहला लिखिया कि इजाजत नहीं मिलेगी। बाद विच किसी हीरोइन दी फोटो लगा के पद्दी शब्दावली लिख दित्ती गई। जदों इस दी जानकारी विभाग नूं मिली तां तुरंत कार्रवाई करदिआं विभाग ने तुरंत कार्रवाई करदिआं जिन्हां कर्मचारियों के कोल पोर्टल का पासवर्ड से उन्हां पांच कर्मचारियों नूं सस्पेंड कर दिता। नाल ही साइबर सेल पुलिस नूं भी शिकायत दित्ती गई। जांच कीती जा रही है कि आखिर पोर्टल हैक किवें होया। शक जताया जा रहा है कि किसी कर्मचारी दे वल्लों ही पासवर्ड किसी बाहर वाले नाल शेयर किया गया है अते उसे ही अनपछाते दे वल्लों ये सब किया गया है। फिलहाल साइबर सेल दी टीम दे वल्लों गंभीरता नाल इस मामले दी जांच कीती जा रही है। इसमें हमारा है कि जो आपको पता ही है कि जो चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और चुनाव चल रहे हैं, इसमें ईसीआई के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एनकोर पोर्टल है जिसमें ऑनलाइन परमिशंस ली जा सकती हैं। तो इसी सिलसिले में दो एप्लीकेशन आई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। शुभम राणा ने अप्लाई किया था ऑनलाइन परमिशन के लिए। तो उन एप्लीकेशंस में जब हमने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये एप्लीकेशन ऑनलाइन आई थी, तो सभी को ट्रेनिंग इम्पार्ट की थी, कंसर्न डिपार्टमेंट को और सभी ARO's के ट्रेनिंग दी थी। तो उसमें स्पेसिमेन के तौर पे, नमूने के तौर पे हमने इस एप्लीकेशन को लोगों के सामने शेयर किया था कि इस तरह की एप्लीकेशन आएगी, फिर हमारा क्या क्या, किस नोडल ऑफिसर्स की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये सारा हमने विस्तार से उस पर बताया था। तो जो पासवर्ड उस टाइम भरा, तो उस टाइम जो मेरे यूजर ID से अल्टीमेट जो बहुत सारी परमिशंस, ज़्यादातर परमिशंस या तो SDM कार्यालय बतौर SDM या ARO के ऑफिस से जारी होती हैं। तो मेरे यूजर ID से जब नेक्स्ट डे मैंने आके देखा तो उसमें वो रिजेक्ट कर रखी थी। तो रिजेक्ट कर रखी थी, वो जो टिप्पणी डाल रखी थी वो असंसदीय थी, अभद्र थी। तो इस तरह ये जो ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने SP मैम को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे लिखा और जो अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं हरियाणा, उनके संज्ञान में डाला और तुरंत प्रभाव से DC साहब के संज्ञान में, जो हमारे निर्वाचन, जो इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में डाला। तो इसमें जो भी हमारे स्तर पे हमें जो 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 इसमें इस प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व थे, जिनके पास भी पासवर्ड हो सकता है, उन सभी को त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। और अब आगे जांच का विषय है, DIO साहब को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। और जैसे जांच के, क्योंकि टेक्निकल नेचर है, जो ही जाँच के तथ्य आएंगे, साथ के साथ अब साइबर क्राइम में भी इसमें FIR दर्ज हो चुकी है और वो जाँच भी जारी है। जल्द ही जो सही दोषी होगा उसको, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।